अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हमें एनएनडी यूनिवर्सिटी के अंदर और आज आने वाला है रुमान रईस। तो जी हाँ दोस्तों, हम तमाम दोस्त जा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं बैकग्राउंड में अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, हम तमाम दोस्त जा रहे हैं ऑडिटोरियम एनएनडी के अंदर, वहाँ पर मज़ा करेंगे और रुमान रईस से क्या बातें होने वाली है वो आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके या उनके साथ अगर पिक्चर हो सके तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब तक रहिए मेरे साथ, आ जाइए। और जी हाँ दोस्तों, अब हम ऑडिटोरियम के करीब आ गए हैं और हम अंदर के मनाजिर आपको दिखाते हैं वीडियो के अंदर ही, और बड़ा एक्साइटेड हूँ, अगर रुमान रईस से मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। हेयर वी गो, और हम जो हैं वो ऑडिटोरियम में आ चुके हैं और अब सिर्फ रुमान रईस का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक के लिए साथ रहें। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने सीके डिस्ट्रिक्ट में ट्राई किए 19 के बाद, और दोनों बार अलहमदिल्ला में बहुत अच्छे ट्राई किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोचिस ने क्या देखा क्या नहीं देखा, मुझे 15-14 बॉल्स लाइक और मैंने एग्जैक्टली हर बॉल पर शॉट खेला था लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब ट्राइल से पहले की टीम बन चुकी होती है या फिर प्लेयर्स को सिर्फ दिखाया जा रहा होता है कि आपकी ट्राइल हो रही है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाती, बात क्या रहेंगे? मैं आपको इसके पीछे का यही बताया हूँ कि आपकी बात कई हद तक बिल्कुल सही है। 70-60% ऑफ टीम्स बनी होती है, जो 30% या 40% टीम बनानी होती है ना, उसके लिए ट्राइल होते हैं, उसके बाद ट्राइल होने के बाद जो बेस्ट निकलते हैं लड़के, तो उसमें से वो निकालते हैं कि हमें इसमें बड़े बड़े प्लेयर चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो और अगर आपकी दो दफा सिलेक्शन नहीं हो सकता, आगे चार दफा ना हो, लेकिन आपने फेयर से डरने की एक्सपीरियंस से डरना नहीं है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, अपना बेस्ट रिक्वेस्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके लेवल में आपको एक खिलाफ सिलेक्शन करोगे, और अंडर 19 में सेलेक्ट नहीं होगे कोई बात नहीं। मेरी पाकिस्तान अंडर 19 की ट्राई किया था, दो दफा के बाद नहीं पाकिस्तान खेल सका, उसके बाद पाकिस्तान ए के ट्राई किया नहीं सेलेक्ट हो सका, मेरा वर्ल्ड कप में नाम आया अनफॉर्चुनेट का कितनी लोगों में बहाल हो गया, एशिया कप में नाम आया बहाल हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई 17 के स्क्वाड में रिजल्ट में चला गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आपसे जो भी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस की थी मैंने वो पूरी की। रुमान रईस के साथ मेरी सेल्फी हो गई, उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे और उनकी लाइफ के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी जो है क्रिकेट की मतलब कंटिन्यू रखी, वो भी एजुकेशन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करें और मेरे चैनल सैफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।